हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1947, 1950, 1951 या 1955। तो दोस्तों, इसका जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। सोच समझकर अपना जवाब कमेंट करें। अगर आपको ज़्यादा वक्त चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1951। दूसरा सवाल है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या असम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। तीसरा सवाल है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल सवाल दिए गए हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 वर्ष। चौथा सवाल है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? ऑप्शन है 5, 8, 9 या 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8। पांचवा सवाल है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान या बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान। छठवां सवाल है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन है वोल्ट, ओम, कूलाम या एम्पियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओम। सातवां सवाल है, किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? ऑप्शन है काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों, हमारी वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिले तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। आठवां सवाल है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष। तो दोस्तों, आंसर देखने से पहले आंसर कमेंट कर दिया करें, बाद में आंसर देखा करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 वर्ष। नौवां सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी या गोदावरी नदी। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो अगर आप रोज़ सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो आपको रोज़ सबसे पहले देखने को मिलती रहें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यमुना नदी। दसवां सवाल है, मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? ऑप्शन है मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हेप्टोग्लोबिन या इंसुलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों, आप इनमें से कितने आंसर सही दे पाए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे भी अच्छी नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो जब तक चैनल से जुड़े रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।